नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। शुरू होने जा रहा है ज्येष्ठ का महीना, यानी कि साल का सबसे गर्म महीना। लेकिन ज्योतिष और सनातन धर्म इस महीने को किस तरीके से देखता है, किस नजर से देखता है, क्या है इसकी महिमा, इसी के बारे में आज हम पंडित जी से जानकारी लेंगे। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। अगर आपका छोटा बच्चा जरूरत से ज्यादा चंचल है, ज़रूरत से ज़्यादा शरारतें करता है, तो उसे पीठ सीधा करके बैठने की आदत डलवाइए। पीठ सीधा करके बैठने से गंभीरता में वृद्धि होती है। और अपने छोटे बच्चे को फास्ट फूड और शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड से दूर रखिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके बच्चे की चंचलता कम हो जाएगी। और चलिए अब जानकारी पंचांग की भी लेते हैं, तो 24 मई का पंचांग समझते हैं पंडित जी से। दिनांक 24 मई 2024 दिन शुक्रवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शाम के 7:24 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र प्रातः 10:10 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम ज्येष्ठ के महीने की बात करने वाले हैं, तो पंडित जी से समझते हैं कि इस महीने का धार्मिक या प्राकृतिक महत्व जो है वो कैसा है। पंडित जी, जी जैसा सुनीता ने कहा कि सामान्यतः लोग इस बात को ही याद रखते हैं कि ज्येष्ठ महीने में गर्मी प्रचंड होती है, लेकिन ज्येष्ठ महीने का महत्व क्या है धर्म के दृष्टिकोण से, प्रकृति के दृष्टिकोण से, वो भी समझते हैं। हिंदू कैलेंडर में ज्येष्ठ का महीना तीसरा महीना है, चैत्र, वैशाख और तीसरा ज्येष्ठ। इस महीने में सूर्य अत्यंत ताकतवर होता है, इसीलिए गर्मी भी भयंकर होती है। सूर्य की ज्येष्ठता के कारण इस महीने को ज्येष्ठ कहते हैं और इस महीने की पूर्णिमा तिथि को ज्येष्ठा नक्षत्र होने की वजह से इस महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है। ज्येष्ठ का महीना सबसे ज्यादा महत्व रखता है जल के लिए, इसीलिए इस महीने में धर्म का संबंध जल से जोड़ा गया है, ताकि जल का संरक्षण किया जा सके। जल जीवन है और जल का सबसे ज्यादा मूल्य होता है गर्मियों में, इसीलिए इस महीने में जल को धर्म से जोड़ दिया गया। इस महीने में सूर्य देव और वरुण देव की उपासना विशेष फलदायी होती है, विशेष लाभकारी होती है। इस बार ज्येष्ठ का महीना 24 मई से आरंभ हो रहा है और ये महीना 22 जून तक
रहेगा। तो चलिए ज्येष्ठ महीने की महिमा को आगे हम समझेंगे जानेंगे, लेकिन उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है आपको, धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखिए। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, मानसिक तनाव कम होता जाएगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, परिवार में व्यस्तता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए जामुनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और अब पंडित जी से समझते हैं कि ज्येष्ठ मास का वैज्ञानिक महत्व दरअसल क्या है। धर्म के दृष्टिकोण से, प्राकृतिक दृष्टिकोण से ज्येष्ठ का महीना कितना मूल्यवान है ये आपने समझा। इस महीने का वैज्ञानिक महत्व क्या है? देखिए, इस महीने में वातावरण में और शरीर में जल का स्तर गिरने लगता है, इसीलिए ज्येष्ठ के महीने में जल का सही और पर्याप्त प्रयोग करना चाहिए। सन स्ट्रोक, धूप से जो स्ट्रोक हो जाता है, और खान पान की जो बीमारियां हैं वो इस महीने में ज्यादा होती हैं, उनसे बचाव करना आवश्यक है। इस महीने में हरी सब्जियां, सत्तू, जल वाले फल जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, इनका प्रयोग करना लाभदायक होता है। ज्येष्ठ के महीने में दोपहर में विश्राम करना भी लाभकारी होता है। देखिए, आयुर्वेद ऐसा मानता है कि बाकी महीनों में दिन के समय में नहीं सोना चाहिए, लेकिन ज्येष्ठ के महीने के बारे में आयुर्वेद साफ तौर से कहता है कि अगर आप दोपहर के समय में सोते हैं तो इसके प्रभाव आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे होंगे। और ज्येष्ठ के महीने में आपको पानी बहुत पीना चाहिए, और पानी शीतल जल पीजिए। शीतल जल मटके या सुराही का होता है, शीतल जल फ्रिज का नहीं होता। फ्रिज का पानी ठंडा पानी होता है। अगर आपको शरीर
और आत्मा को शीतल करने वाला जल पीना है तो मटके या सुराही का जल पीना आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, धार्मिक नजरिए से हम किसी चीज को अलग अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन धर्म भी दरअसल वैज्ञानिक तौर तरीकों को ही अपनाता है। तो पंडित जी जो उपाय बता रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं, जरूर इसका ध्यान रखिएगा। कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल जान लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में आपको सफलता मिलेगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, करियर में लापरवाही ना करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी, छोटी यात्रा आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए, हमारी चर्चाओं के बीच सवाल का रुख करते हैं और जान लेते हैं कि हमारे पास आज पहला सवाल कहां से आया है। पंडित जी, जी आज का पहला प्रश्न हमें वेद प्रकाश दीक्षित जी ने लिखा है। अपनी पुत्री राधिका दीक्षित के बारे में जानना चाहते हैं। 24 दिसंबर 1994 का जन्म है। 6:57 शाम को कानपुर उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी का विवाह कब तक होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, नौकरी कब तक मिलेगी, क्या उसके विदेश जाने के योग बनते हैं। वेद प्रकाश जी, आपकी पुत्री के विवाह होने का योग ज्यादातर 2025 के आरंभिक समय में बन रहा है। विवाह के बाद इनका कानपुर छूटेगा, भारत के किसी अन्य स्थान पर जाएंगी और विवाह के बाद ही इनके विदेश जाने के योग बनते हैं। जहां तक नौकरी का प्रश्न है, शिक्षा क्षेत्र में, मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में कोई नौकरी ये कर सकती हैं और उस तरह की नौकरी इनकी अभी सितंबर के पहले आरंभ हो जाएगी। फिलहाल आप उनके विवाह के लिए और उनके करियर के लिए इनको एक ओपल बनवा करके पहना दें, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में,
दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहनाएं और दूसरा इनको बोलें कि रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन सवाल लेने से पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो बिना देर किए हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न नवीन कुमार जी ने हमें ऋषिकेश से लिखा है। 19 अगस्त 1991 का जन्म है। 4:55 प्रातः ऋषिकेश उत्तराखंड। ये कह रहे हैं कि मैं फिलहाल एक रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, काम बहुत अच्छा नहीं है, तो मुझे कैसा करियर बनाना चाहिए? क्या मैं विदेश जाकर अपना करियर बना सकता हूँ और मेरा विवाह कब होगा और कैसा होगा? नवीन कुमार जी, आपके लिए रेस्टोरेंट का, खाने पीने की चीज़ों का व्यवसाय बहुत अच्छा है। इसी क्षेत्र में आपको करियर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर, अभी विदेश जाने का प्रयास मत करिए, अभी अपना करियर बनाइए। विवाह आपका इस साल के अंत में या अगले साल के आरंभ में हो सकता है, आपकी अपनी इच्छा से, और विवाह के बाद आपके तरक्की की संभावनाएं अच्छी हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा के पहने। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो आज हम ज्येष्ठ महीने के बारे में पंडित जी से चर्चा कर रहे हैं और पंडित जी ने बताया कि कैसे आयुर्वेद हो या प्राकृतिक तौर पर भी जो तीज त्योहार इस महीने में आते हैं वो कई तरीके से आपको लाभ देते हैं। इस महीने में पंडित जी जल यानी कि वरुण देव और सूर्य की कृपा कैसे पाई जा सकती है, इस बारे में जरूर बताएं। ज्येष्ठ के महीने में सूर्य देव की कृपा आप पा सकते हैं और जल देव यानी वरुण देव की कृपा भी आपको मिल सकती है। कैसे? रोज सुबह और शाम जब धूप कम हो, बिल्कुल मिनिमम हो, उस समय पौधों में जल दीजिए, प्यासों को पानी पिलाइए, लोगों को जल पिलाने की व्यवस्था करिए। देखिए, जल की बर्बादी तो कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ज्येष्ठ के महीने में जल की बिल्कुल बर्बादी मत करिए। घड़े में, मटके में, सुराही में जल भर के घड़े सहित उसका दान करिए और पंखों का दान करिए। पहले जमाने में हाथ वाले पंखे होते थे, उनका दान किया जाता था। रोज सुबह और शाम सूर्य मंत्र का जप करिए, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। सुबह शाम इस मंत्र का जप करिए। अगर सूर्य संबंधी समस्या है तो ज्येष्ठ महीने के हर रविवार को जल पीकर फल खा करके उपवास रखिए। देखिए, ज्येष्ठ के महीने में जल पीना या निर्जल उपवास रखना, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। यानी ज्येष्ठ के महीने में
अगर आप जल का सही प्रयोग करें, दूसरों को जल पिलाएं, प्यासों को पानी पिलाएं, तो बहुत सारा पुण्य, बहुत सारी शुभता आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए, खान पान में, रहन सहन में छोटे छोटे बदलाव करके भी आप बहुत लाभ पा सकते हैं, और इसी बारे में हम आगे भी लगातार चर्चा करते रहेंगे। इसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल देखिए। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, काम के मामले में आपकी व्यस्तता रहेगी, वाहन सावधानी से चलाइएगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, जब ज्येष्ठ के महीने की बात होती है तो ज्येष्ठ के मंगलवार को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, तो क्या है ज्येष्ठ महीने के मंगलवार की महिमा? वैसे तो पूरा ज्येष्ठ का महीना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्येष्ठ महीने के हर मंगलवार की विशेष महिमा है। ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है, और इस दिन हनुमान जी को गले में तुलसी दल की माला पहनाई जाती है, और साथ ही हनुमान जी को हलवे पूड़ी का या मीठी चीजों का बूंदी का भोग भी लगाया जाता है, और इसके बाद उनकी स्तुति की जाती है। निर्धनों में हलवा पूड़ी और जल बांटा जाता है। ऐसा करने से मंगल संबंधी हर समस्या का निदान हो जाता है। अगर आपको हनुमान जी की विशेष कृपा चाहिए तो ज्येष्ठ में जितने भी मंगलवार हैं, 4 या 5 मंगलवार, हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करिए, सुंदर कांड का पाठ करिए। इसके बाद निर्धनों में हलवा पूड़ी या बूंदी या भोजन का दान करिए। अगर आप ऐसा ज्येष्ठ के हर मंगलवार को करें
तो हनुमान जी की कृपा तो आपको मिलेगी ही। आपकी कुंडली में जो मंगल की निगेटिविटी है, जो मंगल की नकारात्मकता है, वो नकारात्मकता दूर हो जाएगी। तो कुछ ऐसे ज्येष्ठ का महीना आपको कई मौके दे रहा है हर तरीके से अपने जीवन में सुधार लाने का और प्रभु की कृपा हासिल करने का। आगे बढ़ते हैं, मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है ये जान लीजिए। मकर राशि, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, करियर में आपके कुछ बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए एक बार फिर से वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, क्या पूछा है आपने, पंडित जी से लेते हैं पूरी जानकारी। जी अगला प्रश्न प्रियंका गुप्ता ने हमें लिखा है, जम्मू कश्मीर से लिखती हैं। 7 जनवरी 1992 का जन्म है, 5 बजे सवेरे, ऊधमपुर जम्मू कश्मीर। ये पूछ रही हैं कि क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है और मेरा विवाह कब होगा और कैसा होगा। प्रियंका, आपकी कुंडली के हिसाब से शिक्षा क्षेत्र में या प्रशासन के क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, उसका समय अभी चल रहा है। जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है, साल 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में आपके विवाह होने का योग बनता है और ये विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा। फिलहाल आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और रविवार का व्रत रखना आरंभ कर दीजिए। अगर आप ये उपाय करना शुरू करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा।
और अब जानते हैं कि आज का अंतिम सवाल हमारे पास कहां से आया है। हम सवाल ले उसके पहले आप सबको याद दिलाते चलें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो जरूर हमें अपना सवाल लिख भेजिएगा। इस वक्त जो ईमेल आईडी है आपकी टीवी स्क्रीन पर, इसे कर लें नोट डाउन। तो आज का अंतिम सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न संगीता जी ने हमें लिखा है, हैदराबाद से लिखती हैं, अपने भाई विनोद पटलाम वाले जी के लिए पूछना चाहती हैं। विनोद जी की जन्म तारीख है 3 जनवरी 1977, 4:30 प्रातः, हैदराबाद तेलंगाना। ये पूछ रही हैं कि मेरे भाई का विवाह कब होगा और मेरे भाई का भविष्य कैसा रहेगा। संगीता जी, आपके भाई की कुंडली के हिसाब से इनकी कुंडली में विवाह की संभावनाएं बहुत ही कमजोर हैं। विवाह न होने जैसी स्थितियां इस कुंडली में बनी हुई हैं। फिर भी 2025 में अप्रैल से दिसंबर के बीच में एक बार प्रयास करके देखा जा सकता है, संभावना वैसे कम है। एक सफेद अमेरिकन डायमंड चांदी की अंगूठी में 5-6 रत्ती का बनवा लीजिए। इसको शुक्रवार की शाम को इनके दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में कनिष्ठिका अंगुली में पहना दीजिएगा, बेहतर होगा। और दूसरा, अपने भाई साहब को बोलिए कि रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, उससे इनके जीवन की बड़ी रुकावट दूर हो सकती है। पंडित जी, आज हम ज्येष्ठ के महीने की बात कर रहे हैं तो इसी महीने में निर्जला एकादशी भी की जाती है, आती है। एक तो इतनी प्रचंड गर्मी, उसमें निर्जला एकादशी, इसका महत्व कैसे समझें? बिल्कुल, देखिए, धर्म कितनी सुंदरता से प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, ये खूबसूरती हिंदू धर्म में पाई जाती है। जल का संरक्षण हो सके, आप जल की कीमत समझ सकें, इसके लिए कहा गया कि एक दिन निर्जल उपवास रखिए, जल का सेवन मत करिए। ज्येष्ठ की प्रचंड गर्मी में जब आप जल का सेवन नहीं करते और उस स्थिति में आप भगवान की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, तो ये एक महान तपस्या के बराबर हो जाता है और इस महान तपस्या के फल बहुत सुंदर आपको जीवन में प्राप्त होते हैं। तो निर्जल एकादशी का अगर आप व्रत रखें, भगवान की साधना करें, तो विशेष लाभ होगा। लेकिन अगर आप ऐसा ना कर पाए तो कम से कम निर्जल एकादशी पर लोगों को ठंडा पानी पिलाएं, लोगों को शीतल पेय पिलाएं, लोगों को शरबत पिलाएं। अगर आप बहुत सारे लोगों को जल भी पिलाते हैं निर्जला एकादशी पर, तो इसके प्रभाव और इसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ होंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात उनकी, जिनका जन्मदिन 24 मई को है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके लिए कैसा है, आपके आने वाले साल को लेकर क्या कह रहे हैं, जान लेते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 24 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की तमाम बाधाएं दूर होती जाएंगी। धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह इस वर्ष में हो सकता है।
स्वास्थ्य पर अपने थोड़ा सा ध्यान आपको बनाए रखना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की अगर आप उपासना करें तो आपका कल्याण होगा। और चलिए अब बारी आज की जिज्ञासा की है, और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि कई लोग कहते हैं कि देर रात को पूजा नहीं करनी चाहिए, खासतौर पर मध्य रात्रि को, इसे आसुरी पूजा माना जाता है क्या? बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि रात में पूजा करेंगे वो आसुरी पूजा होगी, वो अच्छी नहीं होती, वो सात्विक नहीं होती, रात में मध्य रात्रि में पूजा मत करो। देखिए, रात्रि की पूजा हमेशा महत्वपूर्ण और फलदायी होती है, बल्कि कुछ पूजा तो ऐसी होती है जो रात के समय करना ही ज्यादा बेहतर होता है। मध्य रात्रि को अगर आपके पास समय है, पूजा जरूर करें, प्रार्थना जरूर करें, आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी और मध्य रात्रि को की गई पूजा के शुभ फल आपको जरूर प्राप्त होंगे। और जानते हैं कि 24 मई का शुभ पहर आखिर क्या है? दिनांक 24 मई 2024 दिन शुक्रवार, शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी धन संबंधी समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 24 मई शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और अब बात करते हैं आज की गुडलक राशि के बारे में, जो कि है मकर राशि, और मकर राशि के बारे में आज पंडित जी क्या जानकारी देंगे, जानते हैं उनसे। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों के शिक्षा के बारे में। आज की राशि है मकर राशि, इनको शिक्षा के मामले में काफी परिश्रम करना पड़ता है, परंतु अपनी मेहनत के दम पर शिक्षा में सफलता पा जाते हैं। अगर आपकी राशि मकर है तो शिक्षा में सफलता के लिए भगवान शिव की उपासना करें। भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए उत्तम होगा। और चलिए अब पंडित जी से ये भी जान लेते हैं कि आज महा उपाय में वो हम सब के लिए कौन सी जानकारी लाए हैं पंडित जी। जी, अगर आप पति हैं या पत्नी हैं, अपने जीवन साथी के व्यवहार से परेशान हैं, तो क्या उपाय करें? इसके लिए भगवान शिव की पूजा करिएगा। उनके सामने एक पात्र में, एक लोटे में जल भर करके रखिए। अब बोल बोल कर नमः शिवाय का जप करिए और पाठ करने के बाद इस जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो आपके घर की तरंगें बेहतर होंगी, आपके जीवन साथी का स्वभाव और व्यवहार अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस पूरी जानकारी के लिए और तमाम उपायों के लिए। धन्यवाद। तो यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNTV।